जॉगर, ट्रैक पैंट या लोवर, जो भी आप अपनी लैंग्वेज में बोलते हो। मैंने इसको कम से कम 1 साल यूज़ किया हुआ है और स्टिल अभी भी यूज़ कर रहा हूँ मैं उसको। तो गाइस, अगर आपको कोई अच्छा सा लोवर, जॉगर या ट्रैक पैंट कोई भी चाहिए है और आप ऑनलाइन वेबसाइट पर ट्राई कर चुके हैं और आप अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि कौन सा लेना बेस्ट रहेगा, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि भाई मैं एक अच्छा सा ऑप्शन लेके आया हूँ आपके लिए। और हो सके तो वीडियो को 480p या 720p पे देखें, क्योंकि यार मेरे पास DSLR नहीं है, मैं फ़ोन से रिकॉर्ड करता हूँ, तो भाई समझ लीजिएगा। और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि भाई जो मैं प्रोडक्ट लेके आया हूँ ना भाई, बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो भाई ये है वो जॉगर, ट्रैक पैंट या लोवर, जो भी आप अपनी लैंग्वेज में बोलते हो। मैंने इसको कम से कम 1 साल यूज़ किया हुआ है और स्टिल अभी भी यूज़ कर रहा हूँ मैं उसको। तो जो इसका जो ब्रांड है वो है मेट्रोनॉट, और मैं अपने चैनल पे एक वीडियो डाल चुका हूँ जिसमें एक मैंने मेट्रोनॉट कंपनी की टी शर्ट का रिव्यू किया था, वो आप देख सकते हैं कि कंपनी कैसी है। तो भाई कंपनी बहुत ही बढ़िया है और कंपनी ने बहुत से दावे किए हुए हैं इस जॉगर के बारे में, जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो पहले बात करते हैं इस जॉगर की। तो जॉगर के ऊपर आपको एक नाड़ा देखने को मिल जाएगा और बॉटम में इलास्टिक दी गई है, नीचे बहुत ही चौड़ी है जो कि बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे इसका लोगो दिया गया है, मेट्रोनॉट M7 लिखा हुआ है। और अगर इसकी पॉकेट की बात की जाए तो भाई पॉकेट इसकी बहुत बड़ी है, यानी काफ़ी बड़ी है। फॉर एग्जांपल ये रिमोट है टीवी का, मैं इसमें डाल के दिखाऊंगा कि कितनी बड़ी है, जिससे आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ आए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कितना अंदर तक रिमोट जा चुका है और फिर भी बहुत सा स्पेस अभी भी बाकी है, यानी कि अगर आप कोई भी अपना स्मार्टफोन रखते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आपको। दोनों ही साइड इतनी ही बड़ी पॉकेट दी गई है और पीछे भी एक पॉकेट दी गई है जो कि एवरेज साइज की है। तो अब बात करते हैं कंपनी ने इसमें क्या दावा किया है। कंपनी ने दावा किया है कि भाई ये ना तो सुखड़ेगा, ना तो फटेगा और ना ही इसका कलर लॉस होगा। तो हाँ, कंपनी ने जो दावे किए हैं वो बिल्कुल सही है। और कलर लॉस की बात करें तो शायद 5% का डिफरेंस देखने को मिला है मुझे, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तकरीबन 1 साल हो गया है मुझे। और अगर इसके अंदर की बात की जाए कि इसके अंदर की जो सिलाई है वो किस तरीके से है, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं अंदर की सिलाई बहुत ही बेहतरीन दी गई है। जैसे कि कोई अच्छा सा ब्रांड है वो अपने कपड़ों में सिलाई देता है, उसी प्रकार से इसमें भी दी गई है, कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है कंपनी ने, तो जो कि बहुत अच्छी बात है। तो मेजर पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं इस जॉगर के बारे में, ट्रैक पैंट के बारे में, जो भी आप अपने लैंग्वेज में बोलते हैं। तो अब बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की और ये एग्जैक्टली कहाँ पे अवेलेबल रहता है। तो भाई इसकी प्राइसिंग 500 से 700 के बीच में देखने को मिल सकती है और सेल के दौरान इसका प्राइस 400 से 500 रुपए के अंदर देखने को मिल सकता है। और अगर इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बात करें तो भाई फ्लिपकार्ट पे अब ये प्रोडक्ट बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि भाई बहुत पुराना हो चुका है। तो कंपनी ने नई डिज़ाइन के साथ नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रखे हैं जो कि एज इट इज़ ऐसे ही है, थोड़ी डिज़ाइनिंग का फ़र्क है, तो आप उनको बाय कर सकते हैं और क्वालिटी और क्लॉथिंग में कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, तो आप बिल्कुल भी आंख बंद करके ले सकते हैं। और मैंने 1 साल यूज़ कर रखा है, तो आप समझ सकते हैं इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है। तो गाइस कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं आप इस डील को लेने में इंटरेस्टेड है कि नहीं है, और वीडियो की कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ बुरी बातें, जो भी आपको लगी है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और हो सके तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इन फ्यूचर बहुत सी ऐसी वीडियो आने वाली हैं जिसमें मैं बहुत सी अच्छी अच्छी डील आपको बताने वाला हूं, और बहुत सी अच्छी अच्छी डील पे मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, तो आप उनको भी चेकआउट ज़रूर करिएगा। तो भाई अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।